दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। गाइस आपको तो पता ही है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 जो इस बार हुआ था बार्सिलोना में, वहाँ कुछ अमेजिंग गैजेट्स एंड मोबाइल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ कुछ न्यू स्मार्टफोन्स जो इस बार MWC में इंट्रोड्यूस किए गए थे। नंबर वन में है दोस्तों सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड S9 प्लस। सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड S9 प्लस सैमसंग के नए फ्लैगशिप डिवाइस हैं। सैमसंग S9 फोन में आपको मिलता है 5.8 इंच का 2K सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। वहीं S9 प्लस में आपको मिलता है 6.2 इंच का डिस्प्ले जिसकी स्पेसिफिकेशन सेम है S9 की जैसी। कंपनी ने यहाँ दो वेरिएंट बनाया है, एक एक्सिनोस वाला, दूसरा स्नैपड्रैगन वाला। फिलहाल इंडिया में एक्सिनोस 9810 बेस CPU आपको देखने को मिलेगा दोनों ही फ़ोन में, सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड S9 प्लस में। एक्सिनोस 9810 एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2.9 GHz और ये CPU बना है आपको 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, जिसे आपके फ़ोन में आपको बहुत ही ज़बरदस्त पावर देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी S9 में आपको मिलता है 4GB का रैम, वहीं S9 प्लस में आपको मिलता है 6GB का रैम जिसके साथ आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी जाती है जिसे आप एक्सपैंड भी कर सकते हो अप टू 400GB। बैटरी के मामले में आपको सैमसंग गैलेक्सी S9 में आपको मिलता है 3000mAh का बैटरी, वहीं S9 प्लस में आपको मिलता है 3500mAh का बैटरी। ये दोनों ही फ़ोन को आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। अगर कैमरा की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S9 में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा, वहीं सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस में आपको मिलता है 12+12 मेगापिक्सल का दो कैमरे। वहीं सामने की तरफ दोनों ही फ़ोन में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। नंबर टू में है आपको सोनी का XZ2। सोनी ने अपना नया 5.9 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले वाला कैमरा सेंट्रिक फ़ोन इंट्रोड्यूस किया है XZ2, जो आपको स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर के साथ आता है। रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी है जिसको आप 400GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हो। फ़ोन की हाईलाइट है इसका 19 मेगापिक्सल का रेयर मोशन आई कैमरा जो 960fps रिकॉर्डिंग कैपेबल है एट 1080p। इस फ़ोन में आपको 3120mAh की बैटरी दी गई है जिसे आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। ये फ़ोन एक वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन है जिसे IP68 सर्टिफाइड किया गया है। नंबर तीन में आपको आसूस का Zenfone 5 एंड Zenfone 5Z। आसूस ने अपने दो न्यू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं Zenfone 5 एंड 5Z। दोनों ही फ़ोन में आपको 6.2 इंच की फुल HD+ वाली स्क्रीन मिलेगी। दोनों ही फ़ोन में आपको पीछे की तरफ 12+8 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेंसर मिलेगा, वहीं सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। Zenfone 5 और 5Z में एक ही अंतर है, वो है प्रोसेसर का। Zenfone 5 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 636, वहीं Zenfone 5Z में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845। रैम ऑप्शन के मामले में Zenfone 5 आपको दो वेरियंट में आता है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज। वहीं Zenfone 5Z में आपको तीन वेरिएंट मिलता है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप दोनों ही केस में एक्सटेंड कर सकते हो इनकी मेमोरी को। दोनों ही फ़ोन में आपको 3300mAh की बैटरी मिल जाती है। दोस्तों इन दोनों फ़ोन की जो डिज़ाइन है वो एकदम आईफोन X जैसी लगेगी आपको। नंबर फोर है आपको नोकिया 80 को। नोकिया ने अपना न्यू फ़ोन नोकिया 80 को जिसकी डिस्प्ले साइज 5.5 इंच है, जो कि एक 2K PoLED डिस्प्ले वाला फ़ोन है। फ़ोन की परफॉर्मेंस कम नहीं हुई इसके लिए इसमें आपको स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर दिया गया है। इस फ़ोन में आपको पीछे की तरफ 12+12 मेगापिक्सल के ड्यूल कैमरा देखने को मिलेगा, वहीं सामने की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फ़ोन की बॉडी ग्लास की बनी हुई है, ग्लास जो यूज़ किया गया है वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, जिससे इसकी बॉडी काफ़ी टफ रहेगी और जो इसका फ्रेम है वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। ये फ़ोन आपको 3260mAh की बैटरी के साथ आता है जिसमें आपको क्विक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। ये फ़ोन एक डस्ट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन है। नंबर फाइव में हमारे लिस्ट का सबसे अनोखा फ़ोन वो है सिक्योर फ़ोन। मिलिए दुनिया के पहले ऐसे फ़ोन से जो प्रोटेक्ट करेगा यूज़र डाटा और क्रिप्टो करेंसी को। ब्राज़ील बेस्ड कंपनी सिक्योर कंपनी ने दावा किया है कि ये फ़ोन हैक प्रूफ है।
इसे कोई हैक नहीं कर सकता। कंपनी ने अपने इस दावे को प्रूफ करने के लिए हायर किए बहुत सारे इथिकल हैकर बग बाउंड कंपनी से, पर उनमें से किसी ने कोई भी कामयाब नहीं हो पाया इस फ़ोन के सिंगल डाटा बाहर निकालने में। दोस्तों, इस फ़ोन में आपको कस्टम एंड्रॉयड दिया गया है जिसे कंपनी ने सिक्योर ओएस का नाम दिया है। ये इतना सिक्योर है कि आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर पाएंगे, और अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कंपनी से इंडिविजुअली, इसके लिए कंपनी से आपको बात करनी पड़ेगी किसी भी इंडिविजुअल ऐप को यूज़ करने के लिए, जो इनके ऐप स्टोर में नहीं मिलता है। ओवरऑल कहा जाए तो ये फ़ोन बनाया गया है हाई प्रोफाइल पर्सन्स के लिए, जिनको हैकिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक बैंकर्स और मिलिट्री पर्सन्स। हमारी लिस्ट का आखिरी दोस्तों फ़ोन है, वो है सोनी का AX2 एंड AX2 अल्ट्रा। सोनी ने इंट्रोड्यूस किया है अपना मिड रेंज स्मार्टफोन सोनी AX2 एंड AX2 अल्ट्रा। सोनी के ये स्मार्टफोन कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, जिसमें आपको 23 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है जो 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। वहीं सामने की तरफ आपको AX2 अल्ट्रा में मिलता है 16+8 मेगापिक्सल का कैमरा, AX2 में मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा। दोनों ही फ़ोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 630 प्रोसेसर, AX2 अल्ट्रा में आपको मिलता है 4GB रैम और 32GB या फिर 64GB का इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन, वहीं AX2 में आपको मिलता है 3GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन। वहीं दोनों ही केस में आप इन दोनों फ़ोन्स को आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। बैटरी के मामले में AX2 अल्ट्रा में मिलता है आपको 3580mAh का बैटरी, वहीं आपको AX2 में मिलता है आपको 3300mAh का बैटरी। डिस्प्ले के मामले में AX2 अल्ट्रा में आपको देखने को मिलेगा 6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, वहीं AX2 में आपको मिलता है 5.2 इंच का डिस्प्ले। सो गाइज, यही था एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू इन स्मार्टफोन्स का जो इंट्रोड्यूस किए गए थे आपको MWC 2018 में। सो गाइज, आप मुझे बताइएगा कि आपको इन लिस्ट में सबसे अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन कौन सा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर।